गवर्नमेंट की तालीम कितनी भी तरजीह है, यानी कि अगर वो फंड नहीं है, तनख्वाहें नहीं दे पा रही, तो इसका मतलब है हमारी गवर्नमेंट की कोई ख़ास तरजीह नहीं है, तालीम तरजीह नहीं है, उनकी तरजीह डेवलपमेंट फंड है। वैसे तो गवर्नमेंट के पास इलेक्शन करवाने के लिए भी पैसे नहीं है, वो बार बार कह चुके हैं वो पैसे। नहीं, अभी तो हाँ उन्होंने रख दी है ना अच्छा, अभी इलेक्शन, रख इस रख बजट में इलेक्शन के लिए अच्छा उन्होंने पैसे रख दिए हैं, अच्छा ये लेकिन वो बड़ी, कोई यानी और कि जो अवाम का राइट, देखिए अवाम के पास 5 साल में एक चांस होता है वोट देने का, ठीक है, जो वो अपने नुमाइंदे वो मुंतखब करते हैं और उसके बाद चांस ख़त्म हो जाता है। तो अब उम्मीद है कि गवर्नमेंट कम अज़ कम अवाम के लिए कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकें, वो एक बजट रख देगी और सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम कर देगी, हम ये एक अच्छी उम्मीद करते हैं। जी। लेकिन बाकी जो आपने एजुकेशन के बजट की आप बात कर रहे हैं, तो वो स्कूलों के लिए और कॉलेजेस के लिए, कॉलेजेस तो बिल्कुल ही इग्नोर है ना, आपने देखा होगा कि वो एकेडमिक कल्चर जब से फ्लरिश हो रहा है जी, तो कॉलेजेस में तो बहुत कम फोकस है गवर्नमेंट का, स्कूलों के ऊपर थोड़ा सा है, वो भी उनके बुरे हालात हैं और प्राइवेट सेक्टर उसका फ़ायदा उठा रहा है। इसी तरह से कॉलेजेस के ऊपर फोकस नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर की चांदी है, सारे बच्चे उधर पढ़ते हैं और बराए नाम दाखिला उधर से भेज देते हैं, अब तो वो भी ट्रेंड खत्म होता है।